जानवरों की खरीद बिक्री पर बैन के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बैन के खिलाफ कोर्ट में एक जनहित याचिका दी गई थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। याचिका में केंद्र के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है कि ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इससे लोगों को व्यापार करने का मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। इसके अलावा लोगों को अपने पसंद का भोजन करने के मौलिक अधिकार का भी हनन होता है। दरअसल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें कहा गया है कि जानवरों को मारने के मकसद से उसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। इसके अलावा किसी भी तरह के मवेशियों को खरीदने के लिए खरीदार को एक घोषणा पत्र देना होगा। इसमें उसकी तरफ से ये कहा जाएगा कि वो खरीदे गए जानवर का कत्ल नहीं करेगा। खरीद के समय ही उसे अपना नाम, पता और फोटो पहचान पत्र भी देना जरूरी है। आपको बता दें कि इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने भी केंद्र के इस फैसले पर 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है।